अरुण खान आज या कल जेल से आ सकते हैं बाहर। मुकुल रॉकी ने हाईकोर्ट से बेल मिलने की जानकारी। ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन खान को मिली जमानत। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी मिली बेल। जी मीडिया पर आर्यन के वकील का बयान, कहा बेल ऑर्डर हो गया है लेकिन आज आएगी डिटेल कॉपी। जेल में जमानत की खबर सुनकर खुश हुए आर्यन खान। खाना देने के वक्त जेल मुलाजमीन ने दी खबर, आर्यन ने कहा शुक्रिया। बेटे आर्यन को जमानत मिलने के बाद लीगल टीम को शाहरुख ने कहा शुक्रिया, मन्नत से अपनी टीम के साथ खिंचवाए ग्रुप फोटो। शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर आर्यन का इंतजार, छत से जागते दिखे आर्यन के भाई अब्राम। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद पोस्टर लेकर मन्नत पहुंचे फैंस, पोस्टर पर लिखा था वेलकम प्रिंस आर्यन। आर्यन को जमानत मिलने की खुशी में शाहरुख के घर के बाहर आतिशबाजी, फैंस ने जगह जगह पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। शाहरुख खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सिक्योरिटी, मन्नत के बाहर फैंस का लगा तांता। आर्यन को बेल मिलने से पहले एनसीबी ने हाईकोर्ट में दी थी जोरदार दलील, कहा आर्यन के ड्रग पेडलर के साथ ताल्लुक। एनसीबी ने कोर्ट में कहा आर्यन और अरबाज कई सालों से ले रहे ड्रग्स, दोनों बचपन के दोस्त। आर्यन को जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक ने डाला फिल्मी पोस्ट, लिखा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहा आर्यन को समीर वानखेड़े ने फंसाया। आर्यन को जमानत के बाद बोले नवाब मलिक, कहा जेल में डालने वाले जेल जाने से डर रहे, आर्यन को फर्जी केस में फंसाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को मिली थोड़ी राहत, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले देना होगा नोटिस। बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने लगाई थी अर्जी अपने ऊपर लगे इल्जाम की सीबीआई जांच की मांग। आर्यन ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, पुलिस से मिली 8 दिन की रिमांड। एनसीबी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा खत, गवाह प्रभाकर को विजिलेंस टीम के सामने पेश और बयान दर्ज करवाने में मदद किया गया। मुंबई के सबक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की बड़ी मुश्किलें, वसूली के मामले में गैर जमानती वारंट जारी। पीएम मोदी 5 रोजा गैर मुल्की दौरे पर रवाना, इटली में G20 चोटी इजलास में लेंगे हिस्सा। G20 लीडरान के साथ वबा और माहौलियात तब्दीली पर होगी चर्चा, पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात। G20 में पीएम मोदी पाकिस्तान को घेरेंगे, टेरर फंडिंग और दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे। पीएम मोदी 30-31 अक्टूबर तक रोम में होने वाले G20 छोटे इजलास में करेंगे शिरकत, इटली और ब्रिटेन के पीएम भी मिलेंगे शामिल। इटली के बाद ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, 26वें कॉप सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे ग्लासगो। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी, शंकराचार्य की समाधि को करेंगे उद्घाटन, कई विकास स्कीम्स की देंगे सौगात। मोदी सरनेम को लेकर तबसरे में आज राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेशी, लोकसभा इंतखाब के दौरान दिया था मुतनासा बयान। गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी केस में आज गुरमीत राम रहीम की पेशी, फरीद कोर्ट में पेशी। एनडीए की 141वीं पासिंग आउट परेड, आज आर्मी सरबरा नरवड़े होंगे माने खुशी। आज से खुल जाएगा टीपी बॉर्डर, पुलिस ने हटाया बैरिकेटिंग, सड़क पर लगी कीले भी हटाए गए, एक तरफ से खुलेगा NH9। पुलिस जरा के मुताबिक आने वाले दिनों में बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता खुलने की उम्मीद, किसानों से चल रही है बातचीत। टीकरी बॉर्डर पर खवातीन को कुचलने वाला ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, महलुकीन की लवैकीन को पंजाब के सीएम की तरफ से 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान।
कोरोना टीका कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी पर सवाल पर वजारत खारजा का बयान का कोवैक्सीन को जल्द मिलेगी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी को मिली बड़ी कामयाबी, दहशतगर्द जावेद वानी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 8 दागी सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ की कार्रवाई, नौकरी से किया गया बर्खास्त, बदउनवानी और बदसलूकी का इल्जाम। यूपी के आगरा में पाक की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरी तलबा की पिटाई, कोर्ट अहाते में तीनों को पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने पीटा। आगरा में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में किया गया था तीनों को पेश, बेरहम नौजवान जीप के पीछे भागते हुए नजर। यूपी के बरेली में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले दो लोगों के खिलाफ FIR, सेंट्रल जेल में तैनात पुलिस कांस्टेबल समेत दो लोगों के काबिले एतराज पोस्ट वायरल की। यूपी के बदायूं में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले शख्स पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज, फेसबुक पेज पर पाक का झंडा लगाकर किया था समर्थन। सुपरस्टार रजनीकांत चेन्नई के कावेरी अस्पताल में एडमिट, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया, उनकी टीम ने दी जानकारी। आज अमित शाह का दो रोजा यूपी दौरा, यूपी इंतखाबात से पहले बीजेपी ने रखा 1.5 करोड़ नए वोटर्स जोड़ने का टारगेट। यूपी में मेरा परिवार भाजपा परिवार मेंबरशिप मुहिम शुरू करेंगे अमित शाह, बीजेपी में तश्हीरी गाड़ी को भी दिखाएंगे हरी झंडी। यूपी में शाह पार्टी लीडरान के साथ आगे की स्ट्रैटेजी भी करेंगे तय, रिव्यू मीटिंग करने का भी है प्रोग्राम। आज यूपी के ललितपुर जाएंगी प्रियंका गांधी, मुतासिर किसान खानदानों से मिलेंगी प्रियंका। प्रियंका गांधी का मिशन यूपी जारी, तंजीम के अहदेदारान के साथ करेंगे मीटिंग। प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली की करेंगी कयादत, बड़ी तादाद में किसानों के पहुंचने का दावा। अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक के SP में शामिल होने की कयास आरियां तेज। यूपी कैबिनेट ने दी कई बार सर्कुलेशन के जरिए 5 अहम तजवीज को मंजूरी, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचर की रिटायरमेंट के बाद भी दोबारा तकरूरी का रास्ता साफ। यूपी में अखिलेश यादव का फिर लैपटॉप दाव, आजमगढ़ में 140 मेधावी स्टूडेंट्स को बांटे लैपटॉप, योगी सरकार पर भी बोला हमला। यूपी के अमरोहा शिवपाल यादव ने बिच्छू वाली मजार पर चढ़ाई चादर, जीत की मांगी दुआ का, बीजेपी को सत्ता से बाहर जाने का वक्त आ गया। सदस्यता मुहिम शुरू करेंगे कांग्रेस उत्तराखंड में, हरीश रावत नए मेंबर को ज्वाइन कराएंगे पार्टी। उत्तराखंड में हनरमंदों को मिलेंगे मंच, सीएम धामी आज करेंगे देहरादून में हुनर हाट मेले का इफ्तिताह। लखनऊ में गोमती के किनारे दीपावली मेले का इनेकाद, सीएम योगी ने किया मेले का इफ्तिताह। लखनऊ में दिवाली मेले और लेजर शो की भी शुरुआत, लेजर शो में दिखी राम की आमद की छला। IIT कानपुर में ड्रोन मेले का इफ्तिताह, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, वजारत शहरी हवाबाजी के लिए किया ताबूत। यूपी के सीएम योगी का बड़ा फैसला, ब्रज इलाके के सूकर और सोरो को करार दिया तीर्थ स्थल। लखनऊ में मुनाकिद क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने की शिरकत, कहा 5 साल में लगाए गए 100 करोड़ पौधे। धामी कैबिनेट में 24 तजवीज पास, दिवाली से पहले 1,60,000 सरकारी मुलाजमीन को बोनस की सौगात। लखीमपुर तशद्दुद मामले में आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर जुमेरात को समाप्त चली, 3 नवंबर को होगी अगली समाप्त। देहरादून में हरीश रावत का कारकुनान के साथ मुजाहरा, बोहरान मुतासिर को मुआवजा दिलाने की मांग।
यूपी के जलौन में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मैनेजर से 19 लाख की लूट, कार सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के कानपुर में पहली बार मेन ट्रैक पर उतरी मेट्रो, मेट्रो का फाइनल ट्रायल 15 नवंबर से होगी शुरू। यूपी के मिर्जापुर में एक टीचर ने 6 साल के बच्चे को बालकनी से लटकाया, डीएम ने टीचर पर मुकदमा दर्ज करने का दिया ऑर्डर। उत्तराखंड के हरिद्वार में ट्रक से 1 करोड़ की लूट का खुलासा, पुलिस ने 2 मुलजमीन को किया गिरफ्तार। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,156 नए मामले आए सामने, 733 मरीजों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर जिम्मे इंतखाब में जीत के लिए बीजेपी ने तैयार की स्ट्रेटजी, वोटिंग के लिए इंतखाबी इंतजामिया कमेटी के हर मेंबर को सौंपी गई जिम्मेदारी। दिवाली पर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है, एनजीटी ने ठीक एयर क्वालिटी वाले शहरों में रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की दी इजाजत। एमपी के नगांव में कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी एमपी के बीच जमकर हुई बहस, कांग्रेस उम्मीदवार ने इंतखाबी जाब्ता तोड़ने का लगाया इल्जाम। बिहार के कुशेश्वर स्थान असेंबली हल्के में इंतखाबी ड्यूटी से हटाए गए डीएसपी दिलीप झा, आरजेडी की मांग पर इलेक्शन कमीशन ने की कार्रवाई। बिहार कांग्रेस के साबिक रियासती सदर अनिल शर्मा का बयान, का आरजेडी के साथ कांग्रेस इत्तेहाद अब नामुमकिन। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स का मुजाहिरा, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर ओपीडी सेवा ठप। पटना सिटी में मुलजमीन ने शख्स को गोली मारकर किया कत्ल, बाइक सवार 3 मुलजमीन ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार के मधुबनी में सदर की जीत के लिए जश्न में लहराए गए हथियार, 2 साल पहले इसी पंचायत में हुआ था साबिक मुखिया का कत्ल। बिहार के बेतिया में दिखा भीड़ तंत्र का इंसाफ, चोरी के आरोपी की पोल से बांधकर जमकर की पिटाई। जयपुर एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में दूसरी बार बड़ी कार्रवाई, मुसाफिरों से बरामद किया गया 14,21,000 का सोना। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने पकड़ा हवाला कारोबारी, पान मसाला कारोबारी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के कोटा में कार बनी आग का गोला, चलती कार में आग लगने से ड्राइवर ने कूद कर बचाए अपनी जान। हिमाचल असेंबली के स्पीकर विपिन परमार की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात, दिल्ली में ओम बिरला की रिहायशगाह पर कई मुद्दों पर चर्चा। ऐलानबाद जिमनी इंतखाब में हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने किया गोविंद कांड की जीत का दावा, का जिमनी इंतखाब में जरूर खिलेगा कमल का फूल। हरियाणा के कनीन गैंग रेप मामले में 8 में से 3 मुजरिम दोषी करार, 3 मुजरिमों के खिलाफ आज होगी सजा। हरियाणा असेंबली में फर्जी इंटरव्यू लेकर नौकरी पाने की कोशिश, मामले में हुई कई गिरफ्तारियां। सोने की डिमांड मुल्क में कोविड-19 से पहले के केवल लेवल पर, 3 महीने में खरीदारी 139.1 टन गोल्ड। फेसबुक ने अपनी कंपनी को दिया नया नाम, मेटा नहीं बदलेगा इंस्टाग्राम मैसेंजर और व्हाट्सएप। सरकार ने फेसबुक से फिर मांगी डिटेल्स, पूछा यूजर्स की सेफ्टी के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में यूपीआई के इस्तेमाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रिजर्व बैंक एसबीआई से जवाब तलब। इंडियन बैंक को दूसरी तिमाही में हुआ जोरदार नेट प्रॉफिट, एनपीए में भी मिली राहत। अजीम प्रेम जी ने 9,713 करोड़ रुपए की अतिया एक दिन में, 27 करोड़ अतिया देने वालों की लिस्ट में टॉप पर।